पता होता कि हनी एक ही टाइप की होती है, मेरे को भी वही पता है, कि तुलसी का हनी है, लीची का है, अजवाइन का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और बहुत कुछ है। और यहाँ पे भैया सेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है मड फार्म करके, तो भैया से कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं अभी। आइए और पगला वाला का चाय का मजा उठाइए चुस्की चुस्की के साथ, और देखिए अभी आपके सामने पगला वाला का एक डांस। और मतलब कि खाने का ही पूरा आइटम है इधर, आप इधर आइए, खाने पीने का जो भी हो आपको ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। कुल्लड़ वाली इधर चाय भी मिल रही है आपको, कुल्लड़ वाली चाय भी यूज कर ले सकते हैं भाई। ये पानी पूरी को कैसे भूल जाइएगा, इधर पानी पूरी की भी दुकान है और महिलाएं हैं उस पर, वो तो होना ज़रूरी है। नमस्कार प्रणाम, आज हम लोग हैं राजगीर में और राजगीर महोत्सव स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे साथ है मेरी मौसी आई हुई है पीछे रेड ड्रेस में, कहीं बिजी है कॉल पे। और इधर हम लोग बाइक पार्किंग कर चुके हैं और एंट्री करेंगे। हर बार किला मैदान में आयोजित किया जाता था और इस बार इधर जो बिरायतन वाले जो रास्ता है, पांडुपोखर के पास से जो रास्ता निकलती है, उसे में आयोजित किया गया है। और चलिए अंदर चलते हैं, आपको नज़ारा अंदर का दिखाते हैं क्या क्या अंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक लोग की भीड़ लगी हुई है और अंदर जा रहे हैं। और राजगीर महोत्सव का 2022 और उसका गेट बना हुआ है, तो चलिए अंदर हम लोग एंट्री करते हैं इसके अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है यहाँ पर, और घोड़ा गाड़ी अंदर आप देख सकते हैं कि घोड़े भी अंदर चल रही है। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं हम लोग। तो झूला, बहुत सारा झूला इधर भी लगा हुआ है, और इधर पार्किंग है एरिया है इधर फोर व्हीलर का, जो कुछ भी है प्रशासन का, जो भी प्रशासन वाली गाड़ी है वो भी एंट्री कर रही है। वहाँ पे पुलिस वाले लोग हैं, उधर अंदर चेक करके ही अंदर भेज रहा है। और आप देख सकते हैं कि ग्राम श्री मंडप 22 इधर, ग्राम श्री मंडप 22 उधर, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट किया गया है। इधर बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का है, बहुत सारे। चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या है। किया गया है ग्राम श्री मंडप कार्यालय और सूचना केंद्र, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, लोग पूछ रहे हैं। और सैनिक स्कूल का है, नालंदा विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय, पथ निर्माण विभाग, मतलब कि गवर्नमेंट वाला सारा कुछ है, परिवहन विभाग, ये सारा कुछ का इधर इसमें किया गया है। और इनसे कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। यहाँ पे भी बुकलेट्स वगैरह कुछ है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा ये पूरा बिहार का, मतलब कि इसका कोई चार्ज आप लोग नहीं ले रहे, निःशुल्क सेवा है। और ये बाय द वे ये आयोजन करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट, अच्छा, और जिला प्रशासन चलाते हैं, अच्छा। इसको लेने के लिए क्या सिग्नेचर का कुछ प्रोसेस होगा? ये प्रोसेस ये है कि आप अपना, अच्छा, मतलब इसको आप जो आप देख रहे हैं इसको, तो इसको जो बुक्स वगैरह है, जो बिहार के सारा बुक्स का जहाँ कुछ भी है टूरिज्म का, इसमें लिया गया है। सिख धर्म का देख सकते हैं इधर है, सोनपुर मेला जो लगता है बिहार में, सोनपुर मेला वो है, बहुत सब कुछ का मतलब कि जो है किया गया। और यहाँ पे आपको नंबर और सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं भी रजिस्टर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और हम लोगों ने ये बुक लिया यहाँ से, और ये अंकल जी ने हम लोग को दिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, जो पर्यटक विभाग से, सूचना विभाग से, और यहाँ से ले रहे हैं। मौसी भी सेल्फी ले रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ भी हम लोग जानकारी हल्का लेते हैं। क्यूट ये डॉल्स वगैरह है, ये चार्जेबल है पैसा जी? इसका की क्या रेंज है? 150 रुपया। 150 रुपया है आंटी जी यहाँ पे बता रही है। और ये आप देख सकते हैं 130 रुपया तक आंटी जी दे देती है। देख सकते हैं कि जो ये डॉल है ऊनी का बनाया गया है, हैंडमेड है, और ये लगता है अंदर कुछ का, ये बेस्ट चीज़ों का बनाया गया है, सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख सकते हैं ये इसके ऊपर कैप भी है, शायद अंदर थर्माकोल पेपर वगैरह का कुछ का अंदर किया गया, और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे हम लोग अगले स्टॉल में देखते हैं। यहाँ पर शादी वाला सिस्टम वगैरह का कुछ किया गया है, और इधर जो लड़की का शादी हो रहा है कुछ वगैरह इधर दिखाया गया है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषा नालंदा, और इधर सबक सेल्फी ले रहा है। बोर्ड में यहाँ पे दिखाया गया है सामाजिक सुरक्षा, जो अंतरजातीय जो दूसरे कास्ट में विवाह करते हैं उसके योजना के अंतर्गत जो भी हो करते हैं, तो 1,00,000 रुपया उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस योजना के तहत दूसरे जाति से विवाह किए जाने पर 1,00,000 रुपया का अनुदान लाभार्थी को मिलेगा, मतलब 1,00,000 रुपया आपको मिलेगा अगर आप अदर कास्ट में अगर आप शादी करते हो तो। इसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है, और आप बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से लगाया गया है। और इधर दिखाया गया है आई लव राजगीर करके, और इसमें लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया काम कर रहे हैं इधर, और ये स्टैचू वगैरह करके बहुत अच्छा थीम किया गया है यहाँ पर। और भी जो भी लोग हैं बैठे हुए हैं अपना स्टॉल में, और इधर जल जीवन हरियाली, और इधर भी सारा स्टॉल, इधर सारा कुछ कवरेज किया गया, इधर जीविका का जो भी हो स्टॉल किया गया है, जिला पंचायत राज भी सारा कुछ के अंदर चलते हैं हम लोग।
और इधर भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं वो भी बैठे हुए हैं इसमें। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बी ब्लॉक में क्या मिल रहा है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उधर से बी ब्लॉक में। तो चलिए एंट्री करते हैं अब इसमें। और इधर आप देख सकते हैं कि जो भी हो, और लड़कियों का ये जो ईयर रिंग्स वगैरह इधर मिल रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत खूब देखने में तो अच्छा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत खूबसूरत ईयर रिंग्स वगैरह। और इधर शायद मौसी मेरी लेगी। और इधर लेडीज़ लोग का कपड़े क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स जो भी है इधर मिल रहा है। और इधर कारपेट्स वगैरह, और ये पैर पोछने वाला इधर ये मिल रहा है। लोग देख भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो बी ब्लॉक आप देख रहे हैं पूरा, बी ब्लॉक में सारा कुछ जो भी है वो क्लॉथ रिलेटिव और जो भी हो लड़कियों का सामान ज़्यादा आपको मिलेगा, शॉल साड़ी सूट का कपड़ा वगैरह। और इधर चाय का पीने के लिए भाई चाय कॉफ़ी जो भी बर्तन वगैरह इधर मिल रहा है। मैं आप देख सकते हैं कि अचार भी मिल रहा है, बहुत सारी वैरायटी का अचार है, लहसुन का अचार है, आम का है, करेला का है, और बहुत सारी देख सकते हैं लेडीज़ का ही भीड़ है, सारे लोग का भीड़ लगाए हुए हैं। और अंकल जी मिले भी खरीद रहे हैं। कहाँ से हैं अंकल? हम नवादा से हैं। नवादा से आए हैं बिहार नालंदा जिला घूमने के लिए। और अंकल जी वैरायटी का अचार ले रहे हैं, बहुत पसंद है, बहुत तरह का, करीब करीब 50 वैरायटी है। हाँ, दो चार वैरायटी पसंद किया उसको ले रहे हैं। हाँ, और अंकल जी अचार ले रहे हैं, और आप भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते, अचार ले सकते हैं, और जो भी टेस्ट भी कर सकते हैं। लोग टेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे लेने से पहले। इधर चप्पल का दुकान लगा है, सारा कुछ लेडीज़ का आएंगे आप ज़्यादा का आपको देखने को मिलेगा इस बी ब्लॉक में। और इधर पेड़ वगैरह भी है, देखते हैं क्या है, सेल के लिए है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सोक किया गया है। और उधर भी आप देख सकते हैं कि उधर जूस वाला मशीन लगा हुआ है, कोई मतलब कि सारा कुछ इधर बी ब्लॉक में लेडीज़ के लिए ही है। ब्लॉक है उसमें भी एक थीम बनाया गया है, कुछ एक बच्चा है जो अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ है, और एक पिता है उसको बुला रहा है। और यहाँ पे कुछ और आगे देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि सुविधा बहुत अच्छी की गई है। और यहाँ पे एम्बुलेंस है, मोबाइल वैन, जो एटीएम है, लोग पैसा भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे पैसा भी आप निकाल सकते हैं। रिकवरी वैन अगर ख़राब हो या फिर कुछ जो भी गवर्नमेंट का सारा कुछ जो भी प्रोसेस है अपना पूरा कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सी ब्लॉक में। तो सी ब्लॉक के अंदर हम लोग अब चलते हैं, एंट्री करते हैं सी ब्लॉक में, चलते हैं सी ब्लॉक में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फूलदान बनाया गया, और जो आर्टिफिशियल फूल है इसको की गई है, नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी फूल्स वगैरह जो आर्टिफिशियली फूल है वो किया गया। और यहाँ पे कोई स्टॉल पे नहीं है कि बात हम लोग कर सकते हैं। और ये लेडीज़ लोग के लिए जूतीस वगैरह, और इधर भी कालीन सेम जो बी ब्लॉक में था वहीं पर कालीन वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ भी स्कूल के बच्चे वगैरह बैठे हुए, और चप्पल वगैरह, चप्पल जूते जो भी अच्छे लग रहा है। और ये लेडीज़ का है, जेंट्स का तो नहीं है कि मैं जाके देख सकता हूँ। और इधर सोफे वगैरह और टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं कि आप यहाँ पे आके बाई कर सकते हैं। और सोफ़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा, और कुकर कुशंस वगैरह लगे हैं, अच्छा लग रहा है सोफ़ा, देख सकते हैं सोफ़ा की दुकान। राजगीर मेला में बहुत जगह घूम लिए, लेकिन एक बात देखें कि हर जगह लेडीज़ का ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और मेरे को एक शॉप पर मिला है, और यहाँ पर कम से कम तो एक जूते का शॉप है, और जूता यहाँ पर मिल रहा है, और वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जूता है वो हैंडमेड है। और जो भैया है बाहर से कहीं आए, कहाँ से हैं भैया? मोड़ा तालाब। अच्छा, मोड़ा तालाब जो आप हम लोग जाते हैं वहाँ चाय भी पहले पीने के लिए जाते थे, अब तो सारा दुकान टूट चुका है। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाए जाते हैं, और अब जूते देख सकते हैं प्योर हैंडमेड है, और बेल्ट भी वगैरह है सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे को एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि कुछ ना कुछ तो है जेंट्स के लिए भी यहाँ पर, और हर जगह लेडीज़ के ही प्रोडक्ट मिल रही थे। और मेरे को ये बात देख कर बहुत अच्छा लगा, पे शॉप है जो फुल्ली जो वुडन का जो बांस के प्रोडक्ट का बनाया गया है, टाइटेनिक जो डूब चुका है ना इसका है, घर के सोफा के लिए अच्छा लगेगा। और एक देख सकते हैं जो भी अच्छा बनाया गया है, और ये बांस का कप सारा कुछ, और बहुत कुछ किया गया अंदर, सारा नेचुरल प्रोडक्ट जो भी है यूज किया गया। मैं आपको बहुत अच्छा एक चीज़ दिखा दूं, जो ये है पर्स, आप देख जो देख रहे हैं ना, ये पर्स है, लेडीज़ पर्स है यार, सारा कुछ तो लेडीज़ का ही मिल रहा है, ये भी बांस का ही बना हुआ है। और उधर ये बहुत कुछ बना, सारा कुछ बांस का ही बना हुआ है ना, सारा कुछ बांस का ही बना हुआ है। और ये भी जो हाथ में ले रहे हैं, एक मिनट, हाँ, हैंड बैग है, और ये हैंड बैग भी जो है बम्बू का ही बना हुआ है।
सारा कुछ अच्छा लग रहा है देख करके यहाँ पे, और हैंडमेड भी है भैया बता रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे। चलते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंट्री करते हैं तब हम लोग। मेरे को सेमी टाइप का लग रहा है, डी ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, सी ब्लॉक हो। और इधर भी कुछ किया गया है, और इधर मग प्रिंट वाला है अंदर, इधर हॉस्पिटल्स वगैरह का भी है। और चलिए अंदर देखते हैं, कारपेट्स लोग भी इधर देख रहे हैं जिनको लेना है। और अंदर हम देखते हैं, इस ब्लॉक में कम भीड़ है। और इधर हम लोग ब्लॉक ई में एंटर करते हैं, तो जाइए आप उधर, और ब्लॉक ई में एंटर करते हैं और हम लोग अंदर देखते हैं। सेम सारा कुछ इसमें भी वही है जो ब्लॉक ए बी सी में किया गया था। अब हम लोग क्या किए, इसको ये इंस्टेंट टी में लेकर आए। अच्छा, इंस्टेंट टी है ये? हाँ, ये इंस्टेंट कॉफी है। अच्छा, और ये इंस्टेंट टी है। हाँ? और ये लेमन टी है। अच्छा, लेमन टी। इसी तरीके से हमारा दो प्रोडक्ट और भी है जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो हमारा टोमेटो सूप है। हाँ? और भेज सूप है। हाँ? उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको गर्म पानी लेना है और उसमें बस जितना भी अमाउंट है अपने हिसाब से उसको घोल देना है, बस आपका रेडी टू ड्रिंक हो जाएगा वो। बेसिकली हम लोग को वहाँ पे टिकट ट्राई करने का मिला, और इनका बिजनेस है तो पैसा तो देना बनता है, और मैं ऐसे भी हर जगह फूड ब्लॉगिंग करता हूँ तो पैसा पे ही करता हूँ। चलिए कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं हम लोग, और आप लोग वीडियो में बने रहे। अब इसके अंदर चलते हैं, पुस्तक मेला राजगीर महोत्सव और इसके अंदर लिखा हुआ है, और इसके अंदर चलते हैं पुस्तक मेला, जो भी इसके अंदर किताब मिलता है और बहुत सारा स्टोरी बुक्स वगैरह है, जहांगीर बहुत सारा है जो भी आप देख सकते हैं किताब इसके अंदर। और यहाँ पे भी है सारा कुछ आप ले सकते हैं, आनंद मठ, एक लड़की, पानी वगैरह सब सारा कुछ है यहाँ पर, महर्षि दयानंद सरस्वती। और यहाँ पे है लाइफ, इंस्पायरिंग लाइफ्स वगैरह सारा कुछ है इसके अंदर। और देखते हैं आगे कुछ, आगे भी है बहुत, श्रीमद् भागवत गीता वहाँ सारा कुछ है, जो स्पिरिचुअल जो भी हो धार्मिक किताब वगैरह भी है वहाँ पर। और आगे वाला स्टॉल में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे रामायण वगैरह भी मिल रहा है, और जो भी हो धार्मिक किताब, भागवत गीता, रामायण सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पब्लिक से यहाँ पे ले भी रही है, यहाँ पे ख़रीद भी रहे हैं लोग। पब्लिकेशन सारा पब्लिकेशन का लिखा हुआ है, उपहार पब्लिकेशन, मतलब कि उपहार पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन जो भी हो जो पब्लिश करती है किताब, वो अपना अपना लगाई हुई है पब्लिकेशन वाली। अब हम लोग निकल चुके हैं पुस्तक मेला से, अब हम लोग चलेंगे कृषि मेला में अंदर, चलते हैं कृषि मेला के अंदर, और इस ब्लॉक में हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी सीड्स कंपनी जो भी हो, सीड्स कंपनी अपना लगाया हुआ है वहाँ पे, मेरे को तो दिख रहा है भाई कृषि मेला में। और आगे यहाँ पे लिखा है राजगीर महोत्सव 22 उद्यान प्रदर्शन, फूल वगैरह लगाए गए हैं, मशरूम उत्पादन कैसे होता है उसमें भी वो भी दिखाया गया, और पब्लिक्स वगैरह यहाँ देख रही है झोपड़ी में मशरूम कैसे उगाया जा रहा है। और यहाँ पे मशरूम का जो भी प्लांट्स है जो बैग्स में लगाया जाता है वो दिखाया गया है इसमें। हम लोग घूमते घूमते एक स्टॉल पे पहुँच गए, और हम आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। आप देख सकता होता कि हनी एक ही टाइप की होती है, मेरे को भी वही पता है कि तुलसी का हनी है, लीची का है, अजवाइन का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और बहुत कुछ है। और यहाँ पे भैया सेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है मड फार्म करके, तो भैया से कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं अभी। जी सर, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता हुआ। हाँ, ये सब कहाँ कहाँ बगान होता है वहाँ हम लोग पेटी रखते हैं। अच्छा, जो मध वाला जो पेटी होता है जी। अच्छा, तो वहाँ रखते हैं, वहाँ निकलता है अलग अलग। हाँ, जिला में अलग अलग जाना पड़ता है, यूपी भी जाना पड़ता है, झारखंड भी जाना पड़ता है, बंगाल भी हम लोग के भी जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि जो आप लीची वाला लिखे हुए हैं तो आप मुजफ्फरपुर जाइएगा। हाँ, जाएंगे। अच्छा, अजवाइन का खेती होगा जैसे कि बेल में होता है, ये अजवाइन वाला लिखा हुआ है, तो आप वहाँ जाइएगा जहाँ खेती होगा वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ जाकर के फिर एक तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा ना? कुछ नहीं होता है सर, कुछ ना क्वालिटी में। तो आप नाम क्यों लिखे हैं इसमें अजवाइन का? और उसके बगान होता है ना, वो मिला तो नहीं होता, टेस्टिंग अलग अलग टेस्ट होता होगा अलग ना? हाँ, टेस्ट अलग होता है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत सारा किया गया है, आप यहाँ पे कंपनी का देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंपनी VST कंपनी है उसकी है, महिंद्रा कंपनी उसका है, सारा स्टॉल लगाया गया है, और ट्रैक्टर्स वगैरह, और किसान भी यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे, और ट्रैक्टर्स है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं अभी, और ये धान काटने वाली मशीन्स वगैरह सारा कुछ है किया गया है, जो छोटे छोटे रूप में, पता नहीं ये क्या चीज़ की मशीन है, और ये खेत जोतने वाली मशीन है, और ट्रैक्टर्स है वहाँ पे, और
और ये जो गेहूं की जो कटाई होने के बाद जो करती है वो मशीन है यहाँ पे, और सारी कंपनियाँ यहाँ पे है आई हुई है, और सारी कंपनियाँ का यहाँ पे फार्मटेक, महिंद्रा, जो कुछ भी है बनाती है, स्वराज कंपनी उधर, सारा कुछ का उधर लगा हुआ है, एग्रीकल्चर्स जो भी डिपार्टमेंट का हो, हार्वेस्टर का उधर लगा हुआ है, और इधर प्रोग्राम चल रही है। देख सकते हैं व्यू, नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और यहाँ पे टांगा भी लगा हुआ है, टांगा भी बहुत अच्छा अच्छा सजा हुआ है, ऐसा लगता है शादी में कहीं जा रहा है दुल्हा को लेकर वैसा वाला। और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है माउंटेन्स का इधर, और पब्लिक लोग की भीड़ अभी आ ही रही है, और शाम का टाइम हुआ है, और इधर व्यंजन मंडप है, तो जो इसमें खाने पीने के लिए, चलिए इसमें अंदर हम लोग कुछ ट्राई करते हैं। और इधर पब्लिक इंजॉय कर रही है सारा कुछ, टिकिया चाट वगैरह, और मतलब कि खाने का ही पूरा आइटम है इधर, आप इधर आइए, खाने पीने का जो भी हो आपको ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। कुल्हड़ वाली इधर चाय भी मिल रही है आपको, कुल्हड़ वाली चाय भी यूज कर ले सकते हैं भाई। ये पानी पूरी को कैसे भूल जाइएगा, इधर पानी पूरी की भी दुकान है और महिलाएँ हैं उस पर, वो तो होना ज़रूरी है। इधर हम लोग एक स्टॉल पे आए हैं, और इधर मशरूम का पकौड़ा वगैरह मिल रहा है, और एक छोटी बच्ची है वो तल रही है मशरूम का पकौड़ा, और इधर भी है मशरूम पकौड़ा, सारा कुछ मेन्यू पहले से लगाई हुई है, मशरूम दही बड़ा, मशरूम पेड़ा, मशरूम खीर, सारा कुछ है, सारा कुछ अवेलेबल है, और बच्ची बना रही है और देर इधर सर्व भी कर रही है, हरी चटनी जो हुई है, और इधर खीर रखा हुआ है शायद। ये क्या छोटी, इसमें दही बड़ा है मशरूम वाला, और क्या मशरूम का अचार भी है, और इधर मशरूम वाला जो देख सकते हो बटन मशरूम है ये, और ये जो छत्ते वाला मशरूम है आप इसको देख सकते हैं, इधर भी है। कैसा लग रहा है मौसी आपको खाने पर? अच्छा है। हाँ, टेस्ट में कैसा है? अच्छा टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है, अच्छा कुछ है। मशरूम का फ्लेवर आ रहा है क्या? इतना ज़्यादा नहीं, हाँ बस थोड़ा है। ठीक है, और हम लोग अब ट्राई करेंगे कुछ अच्छा, जो मौसी बोल रही है कि मेरे को जो हाँ बैंगलोर में कुछ नहीं मिलता हो। इधर एक चचा लिट्टी बेच रहे हैं, और आग पे देख रहे हैं इधर चचा लिट्टी बना रहे हैं, और नीचे आग जल रहा है, और इधर साइड में जो बना हुआ लिट्टी है चचा साइड कर रहे हैं, और इधर घी है ऊपर से निकालने लो, और इसमें से चचा निकाल रहे हैं लिट्टी का चोखा और प्याज, 20 रुपये का 2 लिट्टी है। तो चलिए चचा हम लोग अभी दीजिए 2 लिट्टी, ट्राई करते हैं हम लोग। और अंदर चोखा है, बैंगन का है, बैंगन टमाटर आलू, और हम लोग भी 2 लिट्टी लेंगे। लिट्टी मेरा आ चुका है और उसको हम ट्राई करेंगे अभी। बिहारी होने के नाते मैं लिट्टी जरूर ट्राई करना चाहूँगा कहीं भी जाऊँ तो, क्योंकि इसमें नो केमिकल नो कुछ भी ऐसा कुछ रहता है, और हर जगह आप जाइएगा केमिकल हर कुछ में पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो कुछ ना कुछ इसमें शुद्ध है। और इसमें बैगन का चोखा जो चचा दिए हैं, और घी वाला लिट्टी है, सारा शुद्ध ही शुद्ध है। और चचा बोल रहे हैं शुद्ध ही शुद्ध है, कोई घी 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 भी घर का चचा, घी चचा बोल रहे हैं घर ही का है, और अच्छा स्मेल भी अच्छा आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा है, और टेस्ट बता रहा हूँ पहले। जो बोलता है ना अच्छापन, जो सोना सोना जो बोलते हैं वो टेस्ट आ रहा है, और चचा बोले हैं घर का सत्तू, तो पहले सत्तू ही टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसा है? मैं कहूँ उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्तू के बारे में, क्योंकि मैं उतना ट्राई नहीं करता हूँ। जो कुछ भी है खाने में अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई कीजिए कभी बिहार आ रहे हैं तो लिट्टी चोखा, और चचा के पास आइए। चचा का दुकान कहाँ है? नालंदा चाइना टेंपल के सामने। नालंदा चाइना टेंपल के सामने आइए कभी नालंदा, तो ट्राई कीजिए, और मैं अब ट्राई कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे हम लोग घूमते घामते ख़त्म होने के बाद, सारा कुछ ख़त्म होने के बाद एक चाय के स्टॉल पे पहुँच चुके हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग दिखने में लग रहा है, कलरफुल। और इधर कुछ हमारे बिहार पुलिस जो है जवान लोग हैं यहाँ पर, सर लोग हैं, और हम लोग चाय का एंजॉय यहाँ पर, सॉरी चाय एंजॉय करेंगे यहाँ पे। जो चाय है, चाय गर्म हो रही है और चाय भी बन रहा है, और अंकल बहुत रंगीन मिजाज के आदमी है, डांस करके भी दिखाते हैं, चाय भी बनता है यहाँ पर। आइए और पगला वाला का चाय का मजा उठाइए चुस्की चुस्की के साथ, और देखिए अभी आपके सामने पगला वाला का एक डांस जो है। चाय बन रहा है इधर, चाय मेकिंग प्रोसेस इधर कर रहे हैं अंकल जी, और ये क्या डाल रहे हैं उसमें? चाय पत्ती। ये सर केसर और पनीर का फूल है सर। केसर और पनीर का फूल, जी हाँ, ये डायबिटीज में काम आता है सर। अगर आप चाय पीते हैं मेरा हाँ। और तो आपको जीवन में कोई भी बीमारी नहीं होगा। अच्छा, देखिए शिलाजीत है, कभी किसी और की खुशी में शामिल होकर देखिए
जरा डेरी मिल्क कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ताल मिश्री, ताल मिश्री है सर, ताल मिश्री है, बिल्कुल पूरा हर्बल है सर मेरे चाय। अच्छा, ये देखिए गिलोय है सर, गिलोय, गिलोय जो कोरोना में लोग खोजते फिरते थे वो गिलोय मैंने इस चाय में डाला है सर। ये अश्वगंधा है सर। क्या है? अश्वगंधा, अश्वगंधा। देखिए सर ये तुलसी का बीज है सर, तुलसी का बीज, तुलसी और गिलोय अगर आप खाते हैं पर डे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं लिख कर दे दूंगा। पागला बाबा का यही है सपना, बंद हो जाए सारा हॉस्पिटल और आयुर्वेद पे आ जाए मेरे सारे अपना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और ये पगला बाबा के द्वारा सारा खेला और मेला हो रहा है विगत 5 सालों से। 18 सितंबर 2017 से मैं और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर इस दुनिया को संवार रहा हूँ। आप मेरा चाय को ले जाके लाइव में टेस्ट कराइए। अगर इस कलयुग का ये अमृत नहीं, अगर इस कलयुग का मेरा चाय अमृत नहीं तो मैं ये जवानी माँ भारत पर कुर्बान कर दूंगा। कहीं भी मेरा चाय को बड़े बड़े लाइव में ले जाकर जाइए, ये नुकसान नहीं कर देगा, ये आपको कड़ा कर देगा और अंदर से खड़ा कर देगा। पगला बाबा का चाय हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे पगला बाबा का बात भी था और पगला बाबा जैसा स्वाद भी है, मतलब कि अच्छा स्वाद है, पगला देने वाला स्वाद है चाय का। चाय अच्छी है मौसी बोल रही है ऐसा। तो चलिए अब हम लोग इंड करते हैं वीडियो को। टांगा देख रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। टांगा लाइन बाई लाइन वहाँ पर लगा हुआ, बहुत सारा टांगा है और इसी में प्राइज दिया जाएगा। जो अच्छा टांगा दिखेगा ना उसी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो यहाँ पे आएंगे पुरस्कृत, सॉरी या फिर कोई भी हो आएंगे, जो भी ऊंचा अधिकारी पुरस्कृत करेंगे यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे आई लव राजगीर और लोग हैं वहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, एक तरह का सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो फाइनली आप लोग बताइएगा वीडियो आपका कैसा लगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू होंगे आप तो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए यार। थैंक यू।